अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पर मैं एज़ यूजुअल, बड़ा अच्छा दिन था, देख के बड़ी खुशी हुई क्योंकि दिन यहाँ पर बहुत तेज़ी से छोटे हो रहे हैं और यहाँ के छोटे दिन किसी को भी पसंद नहीं आते। एकदम से कोल्ड, डार्क और बहुत वेट वेदर आता है। तो ब्रेड फ़ौरन से स्क्विरल्स ने खा ली थी और मैं फिर जो हूँ, आज की वीडियो अगेन फुल ऑफ आइडियाज़ है। मैं ये कहती हूँ मेरी वीडियो से कोई ना कोई कोई चीज़ सीखे, कोई टिप सीखे। तो आज की वीडियो में जी मैं बना रही हूँ बड़ा ही अच्छा खाना। चिकन जलफ्रेजी है, चिकन पुलाव है, साथ में जो जर्दा वाले राइस होते हैं कलरफुल से, जिसको मतंजन भी कहते हैं। आसानी से मैंने ये तीनों चीज़ें एक ही साथ पकाई थी और शाम में मैं गई थी एक ढोलकी पे। और ढोलकी का भी मैं कहती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से छोटी सी पार्टी का एक बड़ा अच्छा सा आइडिया और बड़ा अच्छा फंक्शन अरेंज किया था हमारी फ्रेंड ने। और मैं कहती हूँ अगर इस तरह से छोटा फंक्शन आप घर में इस तरह से दो तीन छोटी छोटी ढोलकीज रख लें, अगर किसी की शादी हो या उनकी बर्थडे है या कोई सा भी छोटा इवेंट है, तो बड़ा अच्छा जो है वो इसमें मैनेज हो जाता है। और इस तरह की अच्छी चीज़ें जो हैं वो अडेप्ट ज़रूर करनी चाहिए और नई चीज़ें लर्न करनी चाहिए। तो जी यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े ओनियन लिए, उनको अच्छे से फ्राई किया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला जैसे नॉर्मली हम डालते हैं। यहाँ पर बस चिकन डाल के सॉल्ट और जो थी टर्मेरिक हल्दी का एक पूरा चम्मच वो डाल के बस उसको अच्छे से भून के फिर जो था इसमें हमने टमाटर और योगर्ट और बाकी के मसाले जो रेड चिली पाउडर और कश्मीरी लाल पाउडर और जो धनिया वाला पाउडर होता है बस वो साथ में डाल के फिर इसको आपने ढक्कन बंद करके तो पकाना है। तो जी यहाँ पर मैंने फिर बुलाया क्योंकि मैंने 3-4 चीज़ें बनाई थी और साथ में कैमरा भी पकड़ा हो तो वो मैनेज नहीं होता, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया तो उनसे मैंने कहा कि जब मैंने पकड़ना है तो ये पानी वानी डाल दो ज़रा और चम्मच हिला दो। तो बात ये मैंने सिर्फ इसलिए मैंशन किया कि मैं बात ज़रूर करूँगी आपसे यूट्यूब के हवाले से। अगर जो बच्चियाँ, मुझे लगता है मुझे भी बहुत सारे लोग देख के पूछ रहे हैं या नया यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं या एक पैशन आपको आता है या आप इंस्पायर होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नई चीज़ ज़रूर ट्राई करें और रिस्क लेना चाहिए, नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए, लेकिन जो यूट्यूब है वो लॉन्ग टर्म वर्क एज अ अपना करियर एज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम, जिसको कहते हैं ना कि आप अपना पैशन, ये नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का खैर इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जो मैं आपको हमेशा सिंसियर बात जो इधर आके करती हूँ, अगर आप अपने जैसे हॉबी के लिए, जैसे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है या मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे होते थे कि हमें ये चीज़ बता दें, हमें ये हेल्प कर दें, बच्चों के हवाले से ये बात बता दें, कोई चीज़ सीखने के लिए, तो मैंने ये इसलिए स्टार्ट किया था। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप जो है वो नॉर्मली ज़्यादातर लोग देख भी आजकल, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, व्लॉग्स देख रहे होते हैं, आप अपनी फैमिली को लेकर आए, अपनी प्राइवेसी को आप ब्रीच करें, तो मुझे ये चीज़ें जो है ना वो इतनी वो फैसिनेट नहीं करती कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ को लेके आऊँ, लोग जो है वो व्यूज़ दें और मैं इस चीज़ से पैसे बनाऊँ, तो ये हर एक की कप ऑफ टी नहीं होती। अगर आप जो ये है इस तरह का काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के जो है वो इस साइड पे आना है, क्योंकि अगर एक टाइम में, एक साल में आपको लोग पसंद कर रहे हैं, दूसरे साल में, तीसरे साल में, ये जो है ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा लोग पसंद करें। तो ये लॉन्ग टर्म भी वर्क नहीं है, लेकिन एज अ हॉबी अगर आपने अपना टाइम किल करना है तो फिर जो है जो नई बच्चियां देख रही हैं और वो बनाना चाह रही हैं, उनके पास टाइम है काफ़ी, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी वर्क है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है ये। तो साथ में देखें, आपको बताते बताते अच्छी टिप्स, मेरा जो है ये राइस बन चुके हैं, जो है बड़े मज़े के इस तरह से जो है वो पुलाव बनता है, चिकन पुलाव। और लेकिन आगे जो है इसके साथ ही फिर मैंने जो है वो पानी रख दिया था, ये देखें साथ मेरी पतीली में, जो कि गर्म होने के लिए जो राइस के लिए था। तो बात हो रही थी यूट्यूब की, तो जी इसको बिल्कुल भी आपने एज अ मेन सोर्स ऑफ जो है वो अपना पैशन या करियर नहीं बनाना। अगर आप में कोई स्किल है आप ज़रूर बताएँ, आके ज़रूर सिखाएँ, और लेकिन यह है कि आप अपना लॉन्ग टर्म में भी कुछ जो है वो साथ लाजमी इस चीज़ को देख के चलें कि मेरा लॉन्ग टर्म में क्या काम है, अगले 5 ईयर्स में, अगले 10 ईयर्स में मैं इसको कहाँ तक लेके जा सकती हूँ। तो ये आज का जो था मेरी सारी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, कि बहुत जो है वो नई यंग बच्चियाँ भी आ रही होती हैं और इससे बड़े और तरह की चीज़ें और तरह के प्रॉब्लम्स इसमें जो है वो यूट्यूब में आते हैं, फेस होते हैं, फैमिली वालों के लिए भी उनको फेस करना कई दफ़ा मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल आप लोगों ने देख के मेरी बहनों ने जो है वो इस चीज़ पर इसको स्टार्ट करना है, क्योंकि मेहनत बहुत है और टाइम भी इस पर काफ़ी लगता है। आप एडिट करने बैठें एक वीडियो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जी राइस आपने बॉयल कर लेने हैं, तकरीबन
तकरीबन तकरीबन जैसे फुली हम बॉईल करते हैं बस, क्योंकि फुली बॉईल जब हम खाते हैं तो हम जो है वो उसको दम पे लगा देते हैं बस, वो नहीं यहाँ पे आपने लगाने, इसको आपने इसका पानी जो रिंस कर देना सारा। यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 2 कप थे चावल और तकरीबन 1.5 कप शुगर मैंने ली है और 125 ग्राम बटर, वो भी इसलिए क्योंकि वो एक पूरी जो है 250 ग्राम का एक पूरा ब्लॉक होता है, उसमें से मैंने हाफ ले लिया था। तो बस जी वो डाला, साथ में शुगर डाली, ये मिल्क थोड़ा सा इसमें जाएगा और थोड़ा सा पानी, और इसको जब अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, 1/2 कप तकरीबन पानी का था यहाँ पर और तकरीबन मिल्क भी जो था वो 1/4 कप था, तो बस उसको जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा सारा कुछ, तो ये जो सारे राइस आपने इसमें डाल देने हैं। ज़्यादा जो है वो कच्चे राइस अगर डालें तो उसको फिर दम के लिए उसको हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये देखिए कलर्स अपनी चॉइस के, अपनी फेवरेट कलर लेने, मैंने रेड, ऑरेंज और ग्रीन लिया, लेकिन इनके स्पून आपने मिक्स नहीं करने, कलर मिक्स नहीं करना। इस तरह से देखें 3 सेपरेट ग्लासेस में एक एक चम्मच सिर्फ पानी का इसमें लेना है। नट्स अगेन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपने डालने हैं, कोई से भी आप इसमें नट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, कोई वो हार्ड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए इस पॉइंट पर, ज़रा सा भी इसमें पानी ना हो, क्योंकि यहाँ पर फिर जो क्योंकि प्रॉपर दम लगता है, जैसे नॉर्मली हम किसी भी तरह के राइस हो, को बिरयानी हो, चावल हो, कोई भी हो, क्या उसको कहते हैं पुलाव हो, तो वो जैसे वो दम हम लगाते हैं ना इसी तरह बिल्कुल ड्राई करके, उसी तरह ही इस पे ये दम लगेगा। और आपने ये मिक्स नहीं करने बस कलर, नहीं तो फिर अगर ये कलर मिक्स हो जाए तो ये बहुत बैड एक्सीडेंट होता है इसका। तो जी सॉफ्ट से हाथों से आपने बहुत इसका खीर की तरह मिक्स नहीं करना कि इसका हलवा ही पक जाए, बड़े एहतियात से आपने इसको मिक्स करना है, हलाना है। और यहाँ पर मेरा माशाल्लाह खाना रेडी हो चुका था, बस ये अब शमाइला का बस फ़ोन आ गया था, वो कही थी जल्दी से रेडी होके आ जाओ क्योंकि हमने जो है वो 6 o'clock चले जाना है। तो मैं बस यही सोच रही थी कि झूठी हो जाए, मुझे ये होता है मैं कोई मतलब शो ऑफ ना करूं, हालांकि मेरी शूज़ की कलेक्शन मैंने दिखाई हुई है, पर यहाँ पर भी मैं जो है वहाँ शूज़ उतार के अंदर बैठना था तो मैं बिल्कुल घर वाले पहन के गई। बड़ा वहाँ पर फ़न आज हमने करना है, आज हमने पूरा प्लान किया हुआ है लास्ट, और बड़ा लुक फॉरवर्ड मैं कर रही थी। और ये मेरा वैसे है लॉन का ड्रेस है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि कौन सा ड्रेस है। मैं जा रही हूँ शमाइला को लेने पहले, तो मैं मुक्की घर में पहुँच चुकी हूँ, तो उनको लूँगी और फिर हम दोनों जाएंगे साथ में। शमाइला का वेट हो रहा है, देखो आती है अभी ऊपर से। आज मैं बड़ी प्यारी लिपस्टिक लगा रही हूं आज ही, अब हम जा रहे हैं हाजिन बीबी इतना बेकार सही बात है, तैयार होकर जो जा रहे हैं वहाँ जा, लेकिन ये कि वैसे हम बड़ा एंजॉय करते हैं सारे मिलके। हाँ ये है कि अपना फन हम जरूर करते हैं, इस तरह का इवेंट नहीं आता ना। वो जो गाना नहीं बना हम जिंदा को हमारी बना सही बात है, कितना जिंदा है हम। हाँ वाकई, तो मैंने स्कार्फ जो उतर के उतरा है, मैंने वहाँ जाके स्कार्फ पहले उतारूँ सही तरह, मैं बंद करके भी नहीं आई। चले उधर चल के भी देखते हैं क्या होता है। छोटी सी पार्टी के लिए बेस्ट हैं ये, और सभी फ्रेंड्स जो है एक दूसरे की हेल्प भी कर देती हैं, एक एक चीज़ बना के ले आती हैं।
तो मुझे ये लगता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जो है वो आराम से एक छोटा सा फंक्शन जो है इससे अरेंज हो सकता है। वाह, बाजी 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 ने बनाया 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 अच्छा और क्या आपने तो जी हमारी फ्रेंड ने आंसर वो लेके आई थी, खीर बाजी ने जो है जिनके घर जो ढोलकी थी उन्होंने बहुत मज़े का जर्दा बनाया हुआ था। तो बड़ी अच्छा सा एक छोटा सा फंक्शन अरेंज हो गया और ये हमारी सारी फ्रेंड्स जो हैं ये अभी आप देख रहे होंगे, शम्मा, इफ़त, अंसर, शमाइला, तो ये सब दिल खोल के जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, लेके आती हैं, इनके हाथ में अल्लाह पाक ने बड़ा जायका दिया हुआ है। कभी ग्रोने जिन्ने जिन्ने ना खाई है और नहीं गया जो डंडा आप जूता पहने, आप जूता पहने, आपको कौन मना कर रहा है? फिर गार्डन पार्टी करेंगे ना? हाँ, नहीं गार्डन फिर इनसाइड कर लेंगे। मैं वैसे मजाक कर रही हूँ, हम बाहर भी जाएंगे लेकिन हम नहीं गए, वो बाहर चली गई थी ना। मैं अरेंज नहीं किया इसने, वो मेरी वजह से कह रही थी कि ये बाहर गई थी इस वजह से। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, थैंक यू। अब इस पे डाल देते ये अरेंज करेंगे, बस ये अरेंज कर लो इंशाल्लाह। हां चले, बहुत अरेंजमेंट है। तो जी ये देखिए हमें खाना माशाल्लाह मिल गया साथ माशाल्लाह, ये कि बच चुका है, देख लो हमारी रौनक है। अभी भी किसी का उठने को इतना दिल नहीं था वैसे, हाँ नहीं वैसे मजा पड़ा आया, नहीं एंजॉय तो वैसे हमने किया, कॉफी खा सकते हैं, नो डाउट बहुत मजा आया हमें। अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि एक बज चुका है और अब शराफत से अब शराफत से घर चले, कवर है नहीं नजर आ रहा कुछ भी, नहीं कवर तो खड़ा ही नहीं हो रहा कहीं, वो खिसकी जा रहा सारा घर में। अब कीज का पता लग गया किसने खोल लिया डोर, नहीं तो हमारे घर आ जाओ। हाँ उधर बैठ जाओ आराम से, नहीं वो सो तो नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं पता लगे भाई कहीं चलो उस वक्त खोल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा वो उधर गए, उन्होंने उधर सोना है, किधर आना है? नहीं नहीं आ जाएंगे वापस। अच्छा रात में आ जाएंगे, हो क्या रहा है कसम से, मैंने गलती की आज कर रहे हैं। चलो जी, अच्छा जी, ओके अल्लाह हाफिज। आज चाय से पी लो कुछ, नहीं नहीं चाय कहाँ से पीनी, अब रात क्या आपको पता बज गया, अब कौन सा टाइम है, अभी 12 हो गए हैं, 12:15 अभी 12:15 हो गए, 1 बजे चले जाओ। नहीं बाजी नहीं, चलो टाइम से, अब बहुत टाइम हो गया। मैं पता कितने बजे गई हूँ घर से, 6:00 के, मैं भी 6:00 की गई हूँ। हाँ हम लोग सबसे पहले ही थे। हाँ तो फिर नहीं, बहुत टाइम हो गया, हम पहले नहीं थे, पहले वो भी लोग आए। हाँ नहीं वैसे इस दफ़ा बाकी, लास्ट टाइम आप पहले थे। हाँ, सही फिर प्लान बनाते हैं कोई। हाँ, ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो जी बाजी की दी हुई मेहंदी मैंने ट्राई की और अंडी, मैं नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।